हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट फर्स्ट। एग्जामिनेशन है हमारा 2018, जिसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सेकंड, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। टुडे वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू सिंपल फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित संचयी आवृत्तियों को सामान्य आवृत्ति में परिवर्तित कीजिए। वेजेस एंड नंबर ऑफ पर्संस आर गिवन, लेस देन 8 में है आपका 8, लेस देन 16 इज 20, 8 टू 24 में है 32, 16 टू 32 में है 45, 32 टू 40 में है 20, 40 एंड अबव इज 15, 48 एंड अबव इज 5। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, जिससे कि हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करने होंगे, क्लास ग्रुप्स फॉर्म करने होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है, लेस देन 8, और आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये क्या है, 8 के इंटरवल में हमारा क्लास ग्रुप है। आई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 8, तो 0 टू 8 क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लास ग्रुप। सेकंड 8 के इंटरवल में क्या हो जाएगा, 8 टू 16, नेक्स्ट इज 16 टू 24, फिर 24 टू 32, देन 32 टू 40, 40 टू 48 एंड 48 टू 56, क्योंकि हमें लास्ट में गिवन है 48 एंड अबव। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने क्लास ग्रुप्स फॉर्म कर लिए हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस मींस फ्रीक्वेंसी। अब मेन कैलकुलेशन किसका है, फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ देखेंगे कि लेस देन 8 आपको कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 8 फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मींस 0 टू 8 हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है लेस देन 16, मतलब 16 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है 8 से 16 के बीच की। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 20 गिवन है उसमें से 0 टू 8 की फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी। तो आंसर आ गया हमारा 12, ये देखिए 12। नेक्स्ट अब हमें गिवन है 8 टू 24 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32, 8 से लेकर 24, 8 है हमारा ये और 24 है ये, इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32। बट 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16 से 24 की फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, 32 यहाँ हमें गिवन है 8 से 24 की फ्रीक्वेंसी, जिसमें से हमने माइनस कर दी 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी, वो है हमारी 12। तो आंसर आ गया हमारा 20। इधर देखिए 16 से 32 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, यहाँ ये देखिए दैट इज 45 माइनस। अब हम क्या कर देंगे, इसमें से ये जो 16 से 24 की फ्रीक्वेंसी है वो क्या आई है हमारी 20, इसको हम लेस कर देंगे, दैट इज 25, ये आ गई हमारी 24 से 32 की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमें गिवन है 32 से 40 की, 32 से 40 की ही हमें चाहिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज 20 हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट इज 40 एंड अबव, 40 से ऊपर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 है गिवन है आपको, और 40 से ऊपर कौन सा ग्रुप है, 48 एंड अबव वाला ग्रुप गिवन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो 48 एंड अबव हमारा क्या था, 8 के इंटरवल में 48 से 56 का ग्रुप, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 5। 40 से 48 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस 5 जो इसके ऊपर का ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे, 10। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 8 आ गई फर्स्ट, सेकंड 12, 20, 25, 20, 10 एंड 5, टोटल आ गया आपका
100। फर्स्ट यूनिट का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हमारा। इन द ईयर 2015 देयर वर 1400 स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन। आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज रेस्ट वर इन पोस्ट ग्रेजुएशन। आउट 1400 ग्रेजुएशन स्ट्रेंथ 100 वर गर्ल्स। अब टोटल गर्ल्स इन अ कॉलेज वर 600 इन द ईयर 2016 स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेजुएशन इंक्रीज टू 1700 एंड आउट ऑफ दिस 250 वर गर्ल्स बट इन पीजी क्लासेस द स्ट्रेंथ रिड्यूस टू 500 आउट ऑफ दीज 50 वर बॉयज। इन द ईयर 2017 द गर्ल्स वर 800 आउट ऑफ 650 इन ग्रेजुएशन वाइल द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेजुएशन क्लासेस वर 2200। इन दिस ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वॉज इक्वल इन पीजी क्लासेस। तो राइट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ इन द ईयर 2017 इन कंपैरिजन ऑफ 2015। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको कि आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होगा, टेबल फॉर्म करनी होगी। तो टेबल के लिए हमें क्या क्या हेडिंग्स चाहिए, क्या क्या सबटाइटल्स चाहिए, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस रेफरेंस में टेबल बनानी है, यहाँ देखिए आपको ईयर्स गिवन है फर्स्ट, सेकेंड आपको क्लासेस गिवन है डैट इज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट तो हो गया आपका क्राइटेरिया ईयर्स का, सेकेंड क्राइटेरिया हो गया आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, और थर्ड क्राइटेरिया आपका क्या हो गया है, गर्ल्स और बॉयज का। तो इस टाइप से ये हमारे क्राइटेरिया हमें गिवन है। इनके साथ में ये जो ग्रेजुएशन और इनके साथ में हमें इनका टोटल भी लेना होता है, ठीक है। तो अब हम टेबल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट कॉलम आ गया हमारे पार्टिकुलर्स का, इस पार्टिकुलर्स में हमने लिया है बॉयज गर्ल्स एंड टोटल। आप यहाँ पे यूजी पीजी क्लासेस और टोटल भी ले सकते हैं या ईयर्स को इधर भी कर सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो कॉलम्स हैं उसमें मेन कॉलम में ले लिए हैं ईयर्स डैट इज 2015, 2016 एंड 2017। ईयर्स के जो पार्ट्स किए हैं वो क्या है, यूजी पीजी टोटल, यूजी पीजी टोटल, यूजी पीजी और टोटल। नेक्स्ट ये हमारा टेबल का फॉर्मेट रेडी हो गया है। नाउ सबसे पहले हमें हेडिंग इसमें लिखनी होगी, वो हेडिंग क्या होगी हमारी, टेबल शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या शो करना है, स्ट्रेंथ शो करनी है। तो हमने क्या लिख दिया, टेबल शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू सेक्स, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, एंड कोर्सेज, कोर्स क्या है हमारे, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर भी मेंशन हो गया है डैट इज 2015 टू 2017। अब इस हेडिंग में हमने पूरी हमारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि हम शो करना चाह रहे हैं इस टेबल में। 2015 में अब हम देखेंगे कि 1400 हमारे किस में है, ग्रेजुएशन में है। तो ग्रेजुएशन को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या लिखा है, पीजी। तो इसमें आपको बोला गया है कि 1400 हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1400, जो हमने लास्ट इस टोटल में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 2015 में, वो है हमारे 2000 स्टूडेंट्स। याद देखिए 2015 में हमने टोटल स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे और ग्रेजुएशन के टोटल स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे। नेक्स्ट इज क्या इन्फॉर्मेशन है, रेस्ट वर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, और बचे हुए स्टूडेंट्स किस में आ गए हमारे, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप 2000 में से 1400 लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 600 हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई पीजी की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी कि 1400 ग्रेजुएशन स्ट्रेंथ में से क्या है, 100 गर्ल्स है। तो 1400 में से क्या हुआ हमारी, 100 गर्ल्स हो गई हैं। 2015 में हमारी
टोटल गर्ल्स कितनी है? 600 है। तो 2015 में जो टोटल गर्ल्स हैं वो हमारी, ये देखिए टोटल गर्ल्स का टोटल यहाँ आएगा वो कितने हैं, 600 है। तो इस टाइप से जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमने यहाँ पे पुट कर दी है। नाउ अब जो भी मिसिंग फिगर्स है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट है, अब ये दोनों गिवन है तो 600 माइनस 100 डेट इज 500, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। इधर से भी हम मिसिंग को फाइंड आउट कर लेंगे, 2000 माइनस 600 तो ये आ गया आपका 1400। नेक्स्ट 1400 माइनस 100 डेट इज 1300। अब 1300 और 1400 आ गया, इन दोनों को भी माइनस कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट यही प्रोसीजर हम 2016 में भी फॉलो करेंगे। 2016 में हमें क्या गिवन है कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेजुएशन इंक्रीज्ड टू 1700। जो ग्रेजुएशन की स्ट्रेंथ जो 2015 में थी, अब 16 में क्या हो गया, 1700 तक बढ़ गई है। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ अपनी क्या हो गई है, टोटल स्ट्रेंथ हो गई है हमारी 1700। नेक्स्ट आउट ऑफ दिस 250 वर गर्ल्स। अब इसमें से क्या है, 250 गर्ल्स है, यहाँ पे हमने 250 गर्ल्स के कॉलम में कर दिया है। नेक्स्ट बट इन पीजी क्लासेस द स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड टू, लेकिन पीजी क्लासेस में हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, 500 हो गई। यहाँ देखिए टोटल हमने पीजी क्लासेस में 500 लिख दिया है। आउट ऑफ दिस दीज 50 वर बॉयज, 500 में से 50 हमारे क्या है, बॉयज है, ये इधर हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट यही गिवन है इधर, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी मिसिंग फिगर्स को। तो यहाँ पे अपने इधर कैसे करेंगे, 1700 प्लस 500 क्या हो गया आपका 2200, इधर 500 माइनस 50 कितना हो गया, 450, ये कैलकुलेट हो गया। अब 250 प्लस 450 कितना हो गया हमारा, 700, तो ये दोनों आ गई। जब ये दोनों आ गई तो 2200 माइनस 700 कर दिया है तो कितना आ गया हमारा, 1500। अब 1500 माइनस 50 करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1450। तो इस टाइप से हमने सारे मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट 2017 के लिए, 2017 में इंफॉर्मेशन गिवन है द गर्ल्स वर 800, आउट ऑफ देम 650 वर इन ग्रेजुएशन। टोटल गर्ल्स कितनी है इसमें हमारी, 800, ये हमें गिवन है 2017 का। नेक्स्ट 650 कितनी है इसमें, ग्रेजुएशन में है हमारी 650। नेक्स्ट इज वाइल द टोटल स्ट्रेंथ इन ग्रेजुएशन क्लासेस वर 2200, और क्या बोला गया है, ये हमारी ग्रेजुएशन क्लासेस है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 2200। फाइन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इन दिस ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वॉज इक्वल इन पीजी क्लासेस। पीजी क्लासेस में गर्ल्स और बॉयज दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। तो अब हमें जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूजी क्लासेस में तो है हमारी 650 और टोटल स्ट्रेंथ कितना है हमारा, 800, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 150। तो 150 हो गई हमारी गर्ल्स। तो बोला क्या है कि 150 गर्ल्स हैं और इक्वल ही हमारे क्या है, बॉयज है, तो 150 ही हमारे बॉयज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 300। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2500। 2500 में से इसको माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ गई हमारी 1700। अब 1700 में से 150 इन दोनों को लेस कर दोगे इसको तो वैल्यू आ गई हमारी 1550। तो इस टाइप से हम ये टेबल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसमें बोला गया है फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन द ईयर 2017 इन कंपैरिजन ऑफ 2015। 2015 में हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 2000 हमारी क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है 2015 में, ठीक है।
अब 2017 में कितनी हो गई ये स्ट्रेंथ हमारी, 2017 ये देखिए टोटल स्ट्रेंथ हो गई हमारी 2500। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 500 का। बेस ईयर का वैल्यू लेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ गई आपकी 25%। तो 25% इंक्रीमेंट हुआ है।